पास फाउंडेशन, कंसीलर, ब्राउजर, कंटूर वगैरह नहीं, वो ये मेकअप प्रोडक्ट क्रिएट कर सकते हैं बहुत ही इजी स्टेप में है, और बहुत ज़्यादा मेकअप प्रोडक्ट की आपको ज़रूरत नहीं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे गुलाब जल का स्प्रे किया जो आपको 30 रुपये के अंदर मिल जाएगा लोकल मार्केट में, और उसके बाद यहाँ पे मैंने फ्रूट क्रीम ली, मसाज क्रीम 10 रुपये वाली, और उससे अच्छे से फेस पे मसाज किया। उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ व्हाइट टोन क्रीम जो बहुत ही लाइट वेट होती है, और ये हर किसी के पास ईजिली अवेलेबल होगी, हर किसी के पास मिल जाएगी। नहीं है तो आप ले सकते हैं, आपको 80 रुपये के अंदर मिल जाएगी। और इसी के साथ में मैंने यूज़ किया व्हाइट टोन का पाउडर जिससे मैं इसे मेकअप को सेट करूँगी, और ये मेकअप बहुत ही अफोर्डेबल है, सिर्फ आपको 100 रुपीज़ के अंदर हो जाएगा और बहुत ही प्यारा लुक आने वाला है। तो इसे मैंने इस तरीके से अपने हाथ पे ले लिया और ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से मैं इसे डैब डैब कर रही हूँ। अगर आपके पास ब्यूटी ब्लेंडर नहीं है तो आप अपने फिंगर टिप से, हाथ से भी इसे अच्छे से कर सकते हैं। और इसे अप्लाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इसी से हमारा जो मेकअप होगा वो सेट होगा। उसके बाद इसे सेट करने के बाद में यहाँ पे मैं कर रही हूँ आईब्रो फिल, और अब जो भी मैं प्रोडक्ट यूज़ करूँगी वो हमारे पास आई शेडो पैलेट है, होता है, कोई सा भी आई शेडो पैलेट ले, उसका डार्क ब्राउन कलर से मैं आईब्रो फिल कर रही हूँ, और उसी से मैं आई मेकअप करूँगी, और आई शेडो पैलेट के पिंक कलर से ही मैं ब्लश लगाऊंगी, और उसी से मैं कंटूर करूँगी, हाईलाइटर करूँगी। अब उसमें जो ब्राउन कलर था, लाइट ब्राउन कलर, उससे मैं यहाँ पे एज ए आई शेडो उसे अप्लाई कर रही हूँ ट्रांजेक्शन कलर में, और उसके बाद में जो यहाँ पे पिंक कलर का सिमरी कलर है उसे मैं आईलिड के ऊपर थोड़ा सा लगा लूँगी ताकि जो हमारा लुक है वो काफ़ी अच्छा आए। इसे इस तरीके से मैंने अप्लाई कर लिया और ये आई मेकअप यहीं पे कंप्लीट होगा, क्योंकि विगनर है तो ये बहुत ही इजी स्टेप में हो जाता है। उसके बाद आई शेडो ब्राउन कलर कर लिया जिससे मैंने आईब्रो फिल की थी, वो लोअर लैश लाइन के नीचे मैंने इस तरीके से इसे अच्छे से ब्लेंड कर दिया ताकि क्या है ना कि हमारी आंखें बड़ी बड़ी दिखे, छोटी ना लगे। और इसे अप्लाई करने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा लाइट ब्लैक कलर लिया, और जैसे हम आईलाइनर लगाते थोड़ा सा विंग क्रिएट करते हुए आउट कॉर्नर की साइड में ही किया है, इनर कॉर्नर साइड हमें नहीं करना है। इससे क्या होगा, हमारी आँखें बड़ी बड़ी दिखेंगी। और मस्कारा अप्लाई कर लिया है, मस्कारा के लिए मैंने यूज़ किया मैबलिन का मस्कारा, आपके पास जो भी मस्कारा हो वो आप ले सकते हैं। गाइस ये मेकअप बहुत ही अच्छा होता है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो और अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक आ जाए। उसके बाद उसी का डार्क ब्राउन कलर लिया और उससे मैं कर रही हूँ फेस को कंटूर। ज़रूरी नहीं कि आपके पास फेस कंटूर करने के लिए कंटूर हो या ब्राउजर हो, आप आई शेडो पैलेट का ब्राउन कलर यूज कर सकते हैं इस तरीके से। और अभी आप देखेंगे मतलब कंटूर करना फेस के लिए कितना ज़रूरी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा फेस कितना ज़्यादा स्लिम दिखने लगा, और आप पहले जाके देखिए वहाँ पे कितना ज़्यादा चवी सा लग रहा था और कितना ज़्यादा स्लिम हो गया। तो फेस कंटूर करना नहीं आता है तो सीख लीजिए क्योंकि ये मेकअप का बहुत ही मेन पार्ट है। और इसके बाद मैंने उसी का पिंक कलर लिया और ब्लश अप्लाई कर लिया, उसी में जो सिमर कलर होते हैं हाइलाइटर वो मैंने एज ए हाइलाइटर यूज़ कर लिया, कोई अलग से हाइलाइटर नहीं लिया है क्योंकि हर किसी के पास ज़रूरी नहीं सारे प्रोडक्ट हो। लिपस्टिक अप्लाई कर ली, मेकअप लुक कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है अगर मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके ज़रूर बताना वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक करना। बाय बाय एंड टेक केयर।